खबर भोपाल से है, जहां इन दोनों विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ के सम्मान में दी गई डिनर पार्टी को लेकर कई तरह के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और इसी बीच वाणिज्य कर विभाग के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि बीजेपी के कई पूर्व मंत्री सरकार गिरने के सपने देख रहे हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और क्या कुछ कहा मंत्री राठौर ने, बात की है सुराज संवाददाता निर्बल सिंह बैस से, आपको सुनाते हैं। घूम फिर कर फिर वही मसला, सरकार पांच साल रहेगी या नहीं। हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह राठौर है मंत्री। मंत्री जी, आज फिर एक बार जो है नरोत्तम मिश्रा मानसूनी बादलों की बात कर रहे हैं और पांच साल की डावाडोल की स्थिति की बात कर रहे हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य उनके साथी हो, मुंगेरी लाल के सपने देखने पे किसी के ऊपर बंदिश नहीं। तो अगर लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के और ये अंदाज करते हैं कि जिन लोगों ने बीमारू राज्य बना दिया इन 15 वर्षों में, अब कांग्रेस पार्टी बगैर टैक्स लगाए अगर विकास की तरफ बढ़ रही है और ऐसी सरकार के बारे में वो इतने ज्यादा परेशान हैं, गलती उनकी नहीं है, उन सबको पता है कि ये मोटे घोटाले की फाइलें अब खुलने वाली हैं। इसलिए बहुत जल्दी बेचैनी है कि कितना जल्दी हम जो है नुकसान करने का काम करें। बकाया मुंगेरी लाल जी सपने देखते रहेंगे, सरकार अपनी गति से चलती रहेगी, मध्य प्रदेश का विकास होता रहेगा और नौजवानों से लेके हर सर्वर हर वर्ग की उनके उत्थान की योजनाएं हम लोग चलाते हैं। सिंधिया की डिनर डिप्लोमेसी को भी स्थिरता और अस्थिरता के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि एका करने आए थे। आज से नहीं, सनातन काल से ये परंपराएं हमारी रही हैं कि जब कोई अच्छे निष्कर्ष निकालना होते हैं, कोई चिंतनीय विषय होते हैं तो उसमें हम बैठ के विचार विमर्श करते हैं। आज हमारी चिंता इस बात की है कि नीति आयोग जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है उसकी रिपोर्ट आई है 4 दिन पहले और उन्होंने कहा है कि बिहार और उड़ीसा के बाद अगर सबसे कोई पिछड़ा राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश, सबसे अविकसित राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश। तो जब ये हालात मध्य प्रदेश के हों, 2 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर छोड़ा गया हो तो स्वाभाविक रूप से हम लोग मजबूर हो जाते हैं आपस में बैठ के विचार विमर्श करने के लिए कि इस बीमारू राज्य से हमें विकसित राज्य कैसे बना सकते हैं। और इसी संदर्भ में ये डिनर की बात और सामूहिक बैठ के बात। सिंधिया कल सीख भी देखे गया कि टीम से ऊपर कोई भी नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं। ये तो मैं भी कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता होते हैं, लेकिन अगर हम संगठन की बात करें तो सामूहिक जो टीम होती है कोई भी टीम से बड़ा नहीं होता। तो निश्चित तौर पर ये थे वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर, जिनका ये कहना है कि सरकार पर किसी प्रकार के कोई संकट के बादल नहीं और कांग्रेस की सरकार यानी कमलनाथ की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कैमरामैन राकेश माकुरिया के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वर एक्सप्रेस भोपाल।